नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये जो आज की जो वीडियो है आपको कहीं पे यूट्यूब चैनल पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, कहीं गूगल पर नहीं मिलेगी। जो आज की जो मैं इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्री में शेयर करने जा रहा हूँ, तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डाली हुई है, क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हम ऑलवेज़ जो क्राउन इमिग्रेशन है ऑलवेज़ नया टॉपिक लेकर आती है किसी भी कंट्री के ऊपर, क्योंकि हमारे पास ये स्पेशलाइजेशन है कि हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर इंटरनेशनली अपने ऑफिस में लगवाए हुए हैं। कुछ वीकली आते हैं, कुछ क्वार्टरलीज आते हैं, कुछ मंथली आते हैं, कुछ फोर्टनाइटली आते हैं। उसमें बहुत डिफरेंट टाइप की इमिग्रेशन न्यूज़ आती हैं और हम उसको बड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं और लोगों तक लेकर आते हैं। तो जो आज का जो प्रोग्राम है, मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी बताया था, सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो ये प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इवन बर्थ टूरिज्म के बारे में अगर आप पढ़ा होगा वो भी इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा। और हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, लाखों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद बच्चों को पीआर मिलती है, फिर जाकर सिटीजन मिलती है, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हम भी बच्चों के साथ वहाँ पर चले जाएं, उनको भी वहाँ पर पीआर मिल जाए जिनको वहाँ पर ऑलरेडी पीआर मिल चुकी है। लेकिन जो आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में आप फ्री में अपने बच्चों को डायरेक्टली पासपोर्ट दिलवा सकते हैं, फ्री में। मैंने फिर बताया फ्री में। अभी इस प्रोग्राम को देखने के बाद बहुत सारे एजेंट्स इस टाइप की वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप की वीडियो कहीं पर भी आपको मिलेंगी नहीं। और आप लोग जो देख रहे हैं वो आप एजेंट्स को भी कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, यार हमने इसको इन कैश करना है, प्लीज़ हमें वे बताइए कैसे हो पाएगा, और लाखों रुपये एजेंट्स को देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपको किसी को भी सिंगल रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरी अगर ये वीडियो देख कर इसको प्रॉपरली अगर यूटिलाइज करते हो। तो जो आज का प्रोग्राम है सिटीजनशिप बाई बर्थ, तो ये प्रोग्राम फिर मैंने बताया कि उन पेरेंट्स के लिए हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं। जो स्मार्ट पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें उनके बच्चों की ना स्कूलिंग पर पैसा लगे, ना यूनिवर्सिटीज़ में पैसा लगे, और डायरेक्टली उसको किसी कंट्री का पासपोर्ट मिल जाए। तो अवेयरनेस नहीं है इंडिया में, अवेयरनेस के ऊपर कोई भी कभी कोई वीडियो नहीं डालता। ऑलवेज दो तीन कंट्री को प्रमोट करने की वीडियो मिलेगी, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा के ऊपर है या यूरोप के ऊपर है, बट अवेयरनेस के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं डालता। उसका कारण क्या है कि उसको मालूम है कि इसमें मुझे कौन सा पैसा मिलना है। तो अगर आप एक अच्छे स्मार्ट पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे को डायरेक्टली विदाउट इन्वेस्टमेंट, सिंगल पैनी खर्चे के बगैर बच्चे को आप पासपोर्ट दिलवा सकते हैं। तो वो क्या प्रोग्राम है वो मैं प्रोग्राम में अभी डिस्कस करूँगा। वर्ल्ड की टोटल जो रिकॉग्नाइज कंट्री है 195 है, 195 वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं। जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं इनके सभी लोग सिटीजन जो हैं वो इन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में कौन एलिजिबल है, कौन सी कंट्रीज़ इसमें आती है यहाँ पर आपका बच्चा बॉर्न हो जाए और उसको वो इमीडिएटली पासपोर्ट प्रोवाइड कर दें, वो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं उसके बारे में भी बताऊँगा, और लोग इसको क्यों इनकैश करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। और आप पेरेंट्स हैं, आप पेरेंट्स क्या इसका बेनिफिट ले सकते हैं, आप उन कंट्रीज़ की कैसे पीआर या सिटीजनशिप ले सकते हैं यहाँ पर बच्चा आपका बॉर्न होता है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इनके लिए एलिजिबल कौन है। इनके लिए अगर आप किसी भी कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं, किसी भी कंट्री नहीं, मैं कंट्रीज़ के नाम बताऊँगा जहाँ पर ये एप्लीकेबल है सिटीजनशिप बाई बर्थ, बर्थ राइट सिटीजनशिप कि आपको राइट है वहाँ पर, अगर आपका बच्चा वहाँ बॉर्न होता है तो उसको इमीडिएटली पासपोर्ट मिल सकता है। तो कौन है, अगर आप उन कंट्री में एज ए टूरिस्ट वीज़ा पर भी गए हैं, या उन कंट्री में अगर आप इलीगल भी हैं, या उन कंट्री में आप असैलम सीकर हैं, इवन आप उन कंट्री में एज ए स्टूडेंट हैं, इवन आप उन कंट्री में एज ए पीआर होल्डर हैं, तब भी अगर आपका बच्चा उन कंट्रीज़ में बॉर्न होता है तो आपके बच्चे को इमीडिएटली पासपोर्ट मिलेगा। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो कंट्रीज़ हैं जो हॉट प्रोडक्ट्स में हैं, इन कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा इनकैश किया है चाइनीज़ ने इसलिए इसको इनकैश किया क्योंकि चाइनीज़ में रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, दो बच्चे पैदा ही कर सकते हैं, तीसरा बच्चा वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, दे कुड नॉट बॉर्न ए थर्ड चिल्ड्रन देयर।
तो वो क्या करते हैं, थर्ड बच्चे को ऐसी कंट्री में बॉर्न करते हैं यहाँ पर उनको डायरेक्टली पासपोर्ट मिल जाए। तो सबसे जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो यूएसए, यूएसए एक ऐसी कंट्री है। सेकंड नंबर पर है कनाडा, कनाडा सेकंड नंबर पर कंट्री है। थर्ड नंबर पर हमारे पास साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जहाँ हांगकॉन्ग भी है, चाइना के साथ में हांगकॉन्ग लगा हुआ है, वो भी इस कैटेगरी में आती है। अगर आपका बच्चा वहाँ पर बॉर्न होता है, मैंने वो कैटेगरीज बताई है, चाहे आप वहाँ पर टूरिस्ट हैं तो आपके बच्चे को वहाँ पर डायरेक्टली पासपोर्ट मिल सकता है। तीसरी मैंने हांगकॉन्ग बताई, इसी तरीके से अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिली है, पैरागुआ है, उरुग्वे है, ऐसे ही साउथ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। लेकिन जो हॉट प्रोडक्ट्स मैंने अभी कंट्रीज़ के नाम बताए, ये सबसे हॉट प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो स्मार्ट पेरेंट्स हैं, दे आर इन कैशिंग, वो क्या करते हैं, बच्चा अपना जाकर उन कंट्रीज़ में पैदा करते हैं, उसको इमीडिएटली सिटीजनशिप मिल जाती है। वो सिटीजनशिप मिलने के बाद तो आपको पूरे वर्ल्ड का बेनिफिट है, आपके बच्चे को वो कहीं पर भी जाता है तो उसको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है, सबसे बेनिफिट ये है। तो मैंने फिर कंट्री बताई, यूएसए नंबर वन पर है, कनाडा दूसरे नंबर पर है, फिर अर्जेंटीना, ब्राज़ील है, चिली है, उरुग्वे, पैरागुए है, और बहुत सारी कैरिबियन कंट्री, जितनी भी कैरिबियन चार पांच कंट्री है वो भी इसी प्रोग्राम के अंदर आती है, जिसको बर्थ सिटीजन राइट कहते हैं, जिसको हम बर्थ टूरिज़्म भी कह सकते हैं, जिसको हम सिटीजनशिप बाई बर्थ भी कह सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जाते हैं, आपका बच्चा वहाँ बॉर्न होता है, तो आपके बच्चे को डायरेक्टली पासपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो जो स्मार्ट पेरेंट्स वो क्या करते हैं, बच्चे को वहाँ बॉर्न करते हैं, जैसे चाइनीज़ हैं, इंडियंस ने भी काफ़ी लोगों ने लिया है, जिनको अवेयरनेस थी इसका बेनिफिट, वो बच्चे को वहाँ पैदा करते हैं। करने के बाद क्या बेनिफिट है, करने के बाद बेनिफिट किया कि बच्चे को डायरेक्टली पासपोर्ट मिलेगा उस कंट्री का, और इसके अलावा उसको क्या बेनिफिट है, बच्चों को वहाँ पर सारी स्कूलिंग फ्री है। यहाँ पर हमारे पेरेंट्स जो पंजाबी है या इंडियंस हैं, वो लाखों रुपया लगा के अपने बच्चों को भेजते हैं फॉरेन में, पहले पढ़ने पर लाखों रुपया लगाते हैं, फिर वहाँ पे पीआर नहीं मिलती, अगर पीआर मिलती उसको कितना टाइम लगता है, फिर जाके सिटीजनशिप मिलती है। इसमें डायरेक्टली आफ्टर बॉर्न, बच्चा बॉर्न होते ही सिटीजनशिप मिलती है। सिटीजन के शिप के बाद आपके बच्चे को टोटली स्कूलिंग फ्री है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसिज हैं वो आपको भी फ्री है, आप इंटरनेशनल, आप वहाँ के बॉर्न हैं, और इसके अलावा आपकी जितनी भी हेल्थ, जितना भी मेडिकल वो फ्री है, सोशल सिक्योरिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज हैं, और आपको हर एक चीज़ का बेनिफिट है जो वहाँ के लोकल सिटीजन को बेनिफिट है। और इसके अलावा क्या बेनिफिट है, कल आप अपने पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको, उन्होंने अगर वहाँ पर आना है, इवन आप अपने पेरेंट्स की भी लेटेस्ट स्टेज पर पीआर टीआर जो भी वो डाल सकते हैं, दैट इज़ आल्सो अनदर बेनिफिट। इवन अगर आपने उन कंट्रीज़ में नहीं पढ़ना है, अगर जैसे आपका बच्चा यूएसए में बॉर्न होता है तो आपको लगता है कि वहाँ पर पेरेंट्स को वीज़ा नहीं मिल पाएगा, तो आप अपने बच्चे को जो यूएस बॉर्न है उसको आप ऑस्ट्रेलिया में भेज दो एज ए स्टूडेंट, वो वहाँ, उसको वीज़े की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वहाँ पर पढ़ेगा, साथ में वो अपने पेरेंट्स को भी अकॉम्पनी कर सकता है एज ए डिपेंडेंट, तो ऐसा भी बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा भी कई लोगों ने बेनिफिट लिया है, बॉर्न बच्चा कनाडा में हुआ है, कनाडा में उनको मालूम है कि पेरेंट्स को तो वही जो स्टेटस है इंडियन पासपोर्ट ही है, अगर वो कनाडा में बॉर्न हुआ, उन्होंने अपने बच्चे को फर्दर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भेज दिया, वहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, साथ में पेरेंट्स डिपेंडेंट चले जाते हैं, वो फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो वो उन्होंने जो स्मार्ट पेरेंट्स थे उन्होंने बड़ा बेनिफिट लिया इस प्रोग्राम के थ्रू। तो मैंने ये सारी की सारी कंट्रीज़ बता दी हैं, ये बर्थ टूरिज़्म को बहुत प्रमोट कर रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये बंद भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्री इसके अगेंस्ट हैं, वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि ये प्रोग्राम बंद होना चाहिए। इसमें सब फर्स्ट नंबर पर जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट प्रमोटिंग रिकोगनाइज की बर्थ टूरिज़्म। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ पर भी आपका बच्चा बॉर्न होता है, वहाँ पर वो आपको ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती। उसके साथ में न्यूजीलैंड है, वो भी क्रिटिसाइज़ करता है कि ये प्रोग्राम बंद होना चाहिए इन कंट्रीज़ में। उसके बाद में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे साउथ कोरिया, दे आर ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग कि वहाँ पर अगर बच्चा बॉर्न होता है तो हमने कोई भी राइट्स नहीं देना है। जर्मनी है, वो भी क्रिटिसाइज़ कर रही है इस प्रोग्राम को, फ्रांस भी इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, साउथ अफ्रीका भी इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, यूके भी, ये जो मेन कंट्रीज़ हैं मैंने अभी नाम लिया, ये क्रिटिसाइज़ कर रही है कि ये प्रोग्राम बंद होना चाहिए। तो लेकिन ये अभी तक प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। अगर आपकी वाइफ प्रेगनेंट है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी डिलीवरी इन कंट्रीज़ में कराओ, बच्चे को इमीडिएटली सिटीजनशिप मिल सकती है और बच्चा आपका फ्री इन कंट्रीज़ में पढ़ सकता है। इवन वहाँ की कॉलेज फीस, स्कूल फ्री है, कॉलेज फ्री है, मेडिकल फ्री है, सोशल सिक्योरिटीज़ है, इवन बच्चा लेटर स्टेज पर आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आप भी वहाँ के पीआर हो सकते हैं।
अगर हो सकता है आपसे तो आप इसको इनकैश करिए। और अब ये नहीं है कि आप किसी एजेंट से इन्फॉर्मेशन लेने चले जाएं कि ऐसे मैंने करना है और एजेंट्स को जाके इसके लिए लाखों रुपये दें। ये फ्री में प्रोग्राम है, आप फ्री में इसका इनकैश कर सकते हैं। सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा लगाना है, वहाँ जाना है, वहाँ डिलीवरी करवानी है। और चाइनीज़ नंबर वन पर है इस प्रोग्राम को इनकैश करने। तो अभी मैं उस कंट्रीज़ का नाम बताऊंगा जिन्होंने 10 साल पहले इस प्रोग्राम को स्टॉप किया। वहाँ पर भी वहाँ पर बर्थ सिटीजन राइट था, सिटीजनशिप बाई बर्थ था, उसमें इंडिया भी था। इंडिया ने भी इस प्रोग्राम को 10 साल पहले स्टॉप किया। वहाँ पर भी था कि इंडिया में भी अगर कोई आकर वर्थ बच्चा पैदा होता था कि उसको डायरेक्टली इंडियन पासपोर्ट मिल जाता था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने 10 साल पहले उसको स्टॉप किया। इसमें एक इंडिया ऐसी कंट्री है जिन्होंने 10 साल पहले स्टॉप किया, आयरलैंड है, माल्टा है और डोमिनिको है। इन कंट्रीज़ ने, चार ने अभी इसको 10 साल पहले इस प्रोग्राम को स्टॉप किया। और आने वाले टाइम में ये जो कंट्रीज़ मैंने बताई हैं वो भी स्टॉप कर सकती हैं। अगर आपने बेनिफिट लेना है सिटीजनशिप बाई बर्थ तो आप इमीडिएटली इन कंट्रीज़ में जाकर अपने बच्चे की डिलीवरी करवाएं और इसको इनकैश करें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।